हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRTV अपडेट पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 67E ऑप्शन में कौन कौन से चैनल जो हैं वो DD फ्री डिश पर 1 अप्रैल 2023 से आएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको DD फ्री डिश से जुड़ी सारी अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको हम बताएं कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टार उत्सव, सोनी पल, जी अनमोल, कलर्स रिश्ते, ये सारे चैनल आएंगे 1 अप्रैल 2023 से। लेकिन जी अनमोल जो है वो उसने मतलब अपनी फाइल सबमिट नहीं की थी 67E ऑप्शन में, लेकिन जब कलर्स रिश्ते, स्टार उत्सव, सोनी पल आ रहे थे DD फ्री डिश से, तो जी अनमोल ने सोचा कि हम ही क्यों पीछे रह जाएं, तो उसने भी अब अपनी फाइल सबमिट कर दी है 67E ऑप्शन में। तो ये भी जो है 1 अप्रैल 2023 से DD फ्री डिश पर आएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो चैनल हैं स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलर्स रिश्ते, सोनी पल, ये DD फ्री डिश पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो DD फ्री डिश ग्राहकों की उम्मीदें जो हैं बहुत ही कम हो गई हैं इन चैनलों को लेकर। तो अब की जो ये चैनल आएंगे ये 1 साल के लिए रहेंगे, और आगे ये रहते हैं या नहीं ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। तो 67E ऑप्शन होने जा रही है 13 मार्च को, और जो भी चैनल जो है स्लॉट जीत जाएंगे तो वो 1 अप्रैल 2023 से DD फ्री डिश पर आएंगे और आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यही छोटी सी अपडेट थी कि जी अनमोल ने पहले अपनी फाइल सबमिट करने से मना कर दिया था, लेकिन अब वो कर रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दें। तो आपको हमारी दी हुई जानकारी जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली न्यूज़ लेकर, अगली अपडेट लेकर। तब तक के लिए बाय।